हाँ जी किसान भाइयों, विश्वकर्मा दड़बा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं माणकू एग्रीकल्चर वर्कर्स पखो कैंचियाँ पंजाब। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे माणकू पेंडी थ्रेशर। मैं आपको साइड से दिखाना चाहूँगा भी कैसी लग रही है ये मशीन। पहले तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो बहुत अच्छी और बढ़िया मशीन तैयार की गई है माणकू एग्रीकल्चर द्वारा। दोस्तों जो आप थ्रेशर देख रहे हो, ये इस पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी जो मशीन पास है और 50% से लेकर 80% तक जो इसमें सब्सिडी है जो किसान भाई को मिल जाती है। स्टार्टिंग बात करना चाहूँगा दोस्तों, जो आप थ्रेशर देख रहे हैं इसमें हमें ये डबल व्हील थ्रेशर है और इसमें 5 फैन है जो इसमें दिए गए हैं। किसान भाइयों पहली बात तो जितना भी थ्रेशर है बहुत अच्छे से बढ़िया से कवर किया गया है और जितनी भी बॉडी है इसकी वो सभी हैवी ड्यूटी बॉडी लगाई गई है। कम से कम 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर से आसानी से चला सकता है और इसमें हर एक चीज़ की कंपनी ने सुविधा दी गई है। जैसे कि इसकी जाल की बात करें तो किसान भाई इसको जाल की एडजस्टमेंट है वो भी कर सकता है, उसको ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करनी हो तो कम वो भी कर सकता है, ठीक है। और जितना भी आप थ्रेशर देख रहे हो सभी थ्रेशर सारे ही फोल्डिंग थ्रेशर है ये। दोस्तों इसके रूटर की बात करें तो इसमें 6 फिट का रूटर है जो कंपनी ने दिया गया है, ठीक है। और इसमें हमें 5 फैन है जो मिलेंगे, आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 और एक नीचे लगा हुआ है 5 फैन, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो 3 है जो फिल्टर दिए गए हैं, इसके फिल्टर हैं जो हमें इसमें 3 मिलते हैं। जो इसका बेनिफिट है ये है दोस्तों कि धान की अच्छी और बढ़िया से सफाई जो किसान भाई को मिलेगी। तो उसके बाद आप देख सकते हो अगर इसकी जाल की सेटिंग की बात करें, इसको ज़्यादा अच्छा जैसे भी कोई दाना हल्का भारी होता है उसकी हिसाब से कम एडजस्टमेंट सेटिंग करनी हो तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, जाल को नीचे ऊपर नीचे कर कर। और आपको जो दान है किसान भाई को वो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से अपने गट्टे से नीचे वो आप डेरी कर सकते हो, ठीक है, या भर सकते हो। और जो आप 5वां फैन देख रहे हो दोस्तों, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जो छोटी मोटी जा इसका काम होता है दोस्तों जो फूस पत्ती होती है जो दान पे आपको दिखाई देती है वो भी आपको नहीं दिखाई देगी, वो भी इसको पूरा अच्छी से सफाई करता है ये फैन, ठीक है। और जितने भी इसके बेल्टें लगी हुई हैं आप देख सकते हो सभी बेल्टों को अच्छी तरह से कंपनी द्वारा कवर किया गया है और जितने भी कवरों की कटिंग है वो प्लाज्मा से की गई है। और इसके आप देख सकते हो बहुत अच्छा लोगो लगाया गया है माणकू का M, बहुत अच्छा बढ़िया MC कटिंग की गई है। किसान भाइयों एक बात आपको और कहना चाहूँगा भी माणकू का ओरिजिनल थ्रेशर ही खरीदें, ये डुप्लीकेसी में बनता है कई स्टेटों में, मगर इसका ध्यान जरूर रखें। जो जैसे कि मिस्त्री बलवीर सिंह, दरबार सिंह एंड गुरप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह द्वारा तैयार किया गया अच्छा और सही थ्रेशर ही आप खरीदें और डुप्लीकेसी से बचें, ठीक है किसान भाइयों। उसके बाद अगर आपने फैन का काम करना हो तो यहाँ से हम 2 नट बोल्ट खोलकर इसका काम कर सकते हैं। अगर थ्रेशर का जो काम करना हो, ठीक है, तो यहाँ 3 बोल्ट खोलकर इसको खोलकर भी हम इसका काम कर सकते हैं। ये आ गए दोस्तों बेड, जिसे हम मंजा भी कह सकते हैं किसान भाई से। तो इसके बेड की बात करें तो आप बेड से देख सकते हैं अच्छा और हैवी ड्यूटी ये बेड बना हुआ है और इसमें 2 या 3 बंदे चढ़कर अपनी फसल को यहाँ से निकाल सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद बात करते हैं इसके व्हील की, जो आप व्हील देख रहे हो पूरे अच्छे और बढ़िया है व्हील दग लगाया गया है कंपनी द्वारा और इसमें व्हील की जो शाफ्ट है वो 63/11 नंबर के बैरिंग की असेंबली से तैयार की गई है, जो टेपर शाफ्ट है दोस्तों। और उसके बाद अगर हमने अपने ट्रैक्टर के हिसाब से हुक को एडजस्टमेंट करना हो तो वो भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया है आपको अपने हुक को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। जी आप देख रहे हो ये है रॉकेट, जी आप रॉकेट देख रहे हो, इसका काम होता है जो पेंडी का फूस वगैरह हो गया, भूसा वगैरह हो गया, वो यहाँ से निकलकर दूर जो फेंकने का काम होता है वो इस रॉकेट का काम होता है, ठीक है। और ये आपको टूल बॉक्स मिल जाता है आपको, ठीक है किसान भाई, इसमें आपका सामान वगैरह वो रख सकते हैं। तो कंपनी ने टूल भी है जो अच्छा लगाया है, बढ़िया लगाया गया है, ठीक है। और दोस्तों इसमें 5 फैन है जो दिए गए हैं और सारा हैवी ड्यूटी जी पेंडी थ्रेशर जो कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। और जितने इसकी बॉडी की बात करें, चैनर की बात करें, तो इसमें 6 इंची चैनर है जो हैवी ड्यूटी कंपनी द्वारा लगाया गया है। दोस्तों अगर आप माणकू एग्रीकल्चर द्वारा तैयार किया पेंडी थ्रेशर लेना चाहते हो तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इनसे संपर्क कर पेंडी थ्रेशर को ले सकते हैं। किसान भाइयों इस थ्रेशर पे ऑल इंडिया में सब्सिडी ये मशीन पास है, आप 50% से लेकर 80% तक सब्सिडी है जो इसमें ले सकते हैं।
किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और नई आर्मी मशीनों की जानकारी के लिए विश्वकर्मा दड़ब्बा यूट्यूब चैनल को यूज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।